books. Big fans, mi chiare. Vieni, vieni, vieni. C'è il tuo. वेलकम बैक टू माई चैनल. और बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं कर रही हूँ. आई नो लास्ट मैंने दिसंबर जब मैं केरला गई थी उस टाइम पे मैं ब्लॉग भी नहीं कर रही थी, बस वीडियो शूट कर रही थी. और आज कर रही हूँ. आज 31 जनवरी, मतलब लगभग 1 महीने के बाद बीच में मैंने कोई भी ब्लॉगिंग की ही नहीं है यार. सो सॉरी, आप बहुत पूछते हो मुझसे कि मैं क्यों ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, पर पता नहीं, मतलब मुझसे हो नहीं पाता है कि क्या मैं दिखाऊं आपको. कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ यूज़फुल होना चाहिए. क्या दिखाऊंगी, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना, ये सब दिखाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं होता है. और यदि मैं बातें करूंगी तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता कितना बकबक करती हूँ. खैर, ये सब जाने देते हैं. और आज मैं ब्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी आपको कुछ सिखाने भी वाली हूँ. और आज है 31 जनवरी, और आज है 31 जनवरी और 2 फरवरी को है मेरे हस्बैंड का बर्थडे. तो मैं जा रही हूँ उनके लिए गिफ्ट लेने के लिए. ऐसे तो उनके लिए हमने काफ़ी कुछ ले लिया है, मतलब उनको साथ में ले जा करके मैंने उनकी पसंद की कुछ कुछ चीज़ें ली हुई हैं. बट मैं उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ जो उनके पास हमेशा रहे, और वो मेरी खुद की कमाई से, मतलब मेरी YouTube की कमाई से मैं फर्स्ट गिफ्ट होगा. मतलब लास्ट जब इनका बर्थडे था उस टाइम पे मुझे YouTube से कोई भी पेमेंट नहीं मिली थी, और अभी जितना भी मेरे पास है उनमें से जो मैं बेस्ट दे सकती हूँ वो मैं उनको दूंगी. मैं ऐसा कुछ, मतलब ऐसा तो ठीक है जो गिफ्ट्स होते हैं लाइक कुछ भी दे दिया, क्लोथ्स, वॉच, फ़ोन, कुछ भी दे दिया, वो सब चलता है, बट वो एक टाइम तक ही होता है. मैं उनको कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जो लाइफ टाइम उनके पास रहे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जो उनके मैं बर्थडे पे गिफ्ट देने वाली हूँ, वो भी अपने पैसों से. सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ. मे बी मैं अपने पूरी बैंक बैलेंस को खाली कर दूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, मतलब वो मेरी लाइफ लाइन है. और इसलिए मैं भी जा रही हूँ. कहाँ जा रही हूँ वो आपको दिखाऊंगी. और भी मैं कुछ देने वाली हूँ उनको, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या देने वाली हूँ. एक्चुअली मैं, जैसे कि आपको पता है कि मेरे 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं मेरे मेन चैनल पे, जहाँ पे मैं रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ. तो मुझे आ चुका है YouTube से सिल्वर प्ले बटन. ओ माई गॉड. और मैंने इसे, आप देख सकते हो, अनबॉक्स नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है ये मुझे जिसकी वजह से मिला है, जिसकी वजह से मैं इसके काबिल बन पाई हूँ, मैं उनको ये गिफ्ट करूँ और वो इसकी अनबॉक्सिंग करें. यस, मैं अपने हस्बैंड की ही बात कर रही हूँ. तो मैं ये उन्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, और उनके बर्थडे से जस्ट पहले आ गया. थैंक गॉड. मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि आ पाएगा भी या नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझे लगा था यूट्यूब से कोई नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद उसे रिप्लाई करना होगा, बट ऐसा हुआ नहीं. तो अभी लगभग 1 वीक और 8 डेज पहले ही मैंने यूट्यूब टीम से बात की चैट के थ्रू, एंड उसके बाद जा करके उन्होंने मेरे चैनल को वेरीफाई किया. और अभी 3 या 4 डेज पहले ही मुझे मैसेज आया कि ये 1 फरवरी को मेरे पास आएगा, बट ये अभी ही आ गया. थैंक गॉड अभी आ गया, बिकॉज मैं अभी निकलने ही वाली थी और ये आ गया. अब इसे अच्छे से रैप कर सकती हूँ. सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. माय गॉड, सिल्वर प्ले बटन. ओह गॉड, अब समझ ही सकते हो एक यूट्यूबर की खुशी जब उसे सिल्वर प्ले बटन, या फिर मतलब यूट्यूब की तरफ से ये पहला अवार्ड है. तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और ये मैं अपने हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहती हूँ, उन्हें देना चाहती हूँ. तो ये मैं रैप करके उन्हें दूँगी, वही अनबॉक्स करेंगे. अनबॉक्सिंग ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी. और अभी जा रही हूँ मैं, कहाँ कहाँ जाती हूँ देखते हैं, कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ. ऐसे तो मैंने सोचा हुआ है नहीं, अभी नहीं बताऊँगी. चलिए मेरे साथ, देखिए मैं कहाँ जाती हूँ. मैं भी वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं हूँ, मैं बाहर से दिखा दूँगी आपको कहाँ जा रही हूँ. उसके बाद मैं भी, मैं मॉल भी जाऊँ. तो लेट्स सी कहाँ कहाँ जाते हैं हम, क्या क्या लेते हैं हम. और आई एम सो हैप्पी गाइस. सो चलिए अभी मैं फटाफट से ओला बुक करती हूँ और निकलती हूँ. अभी 2 बजने वाले हैं, 2 बज चुके हैं, और 4 घंटे में हमें वापस भी आना है. सो चलिए चलते हैं. हे गाइस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है. एक्चुअली मैं मुझे लग रहा था कि ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, कार्ड मेरे पास है, नंबर मेरे, मतलब मेरे नंबर से ही एडिड है मेरे कार्ड, जो भी है शॉपिंग करनी है मैं कर लूँगी,
और अभी जस्ट मुझे ये याद आ रहा है कि मेरी डेबिट कार्ड मेरे हस्बैंड के पास है। ओह शिट यार, अब मैं क्या करूँ, मैं तो भूल गई थी, मैं उनसे लेना ही भूल गई। मैं उनके जींस में चेक करती हूँ, जब लास्ट हम गए थे ना तो मैंने बोला था कि नहीं मैं करूँगी तुम्हारे लिए शॉपिंग, तो मैंने उन्हें अपना कार्ड दिया हुआ था और मैं भूल गई कि मुझे उनसे कार्ड लेना है। ओ नो, उनके जींस में भी नहीं है वो कार्ड। शिट यार, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास कल का टाइम है, मैं कल जा सकती हूँ और इनके तो पर्स। ओ माय गॉड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, मेरे पास मेरा कार्ड नहीं है, मैं क्या करूँ अब। पता नहीं वहाँ गूगल पे ये ऑप्शन होगा भी या नहीं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मुझे आज जाना था। सुबह से मैं बस इसी की तैयारी में हूँ कि मुझे आज जाना है जाना है जाना है, और अब जब जाने के लिए देख रहे हो अब मैं तैयार हो गई हूँ। शिट यार, मैं तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए, मेरे पास कार्ड नहीं है और क्या कर रहे हैं। कल अगर जाऊंगी तो फिर सारी प्रिपरेशन बलून्स वगैरह ये सब करने के लिए भी तो टाइम चाहिए, या फिर आज वो सब कर दूं, क्योंकि कार्ड ही नहीं है मेरे पास तो फिर मैं पेमेंट कहाँ से करूंगी। गूगल पे में पता नहीं वहाँ पे गूगल पे का ऑप्शन होगा या नहीं होगा, और जाना भी बहुत दूर है, लाइक जाने में ही मुझे 30-40 मिनट वहाँ लग जाएंगे कोयम्बटूर मार्केट जाने में, फिर वहाँ से मुझे मॉल भी जाना है। शिट, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपको शॉपिंग करने के लिए जाना है, कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो और आपके पास पैसे ही नहीं हो, फिर आपके पास कार्ड ही ना हो। शिट, मतलब मेरी नितेश मेरे कार्ड को कभी नहीं लेते, उन्हें मतलब ही नहीं है मेरे बैंक अकाउंट से कुछ भी। मैंने ही उन्हें दिया था उस दिन पेमेंट करने के लिए, जब उनके लिए शूज़ और जैकेट लेने के लिए गए थे, और उसके बाद से मैंने उनसे लिया ही नहीं। कोई नहीं, आज हम बाकी तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, और घर को भी थोड़ा क्लीन करना है यार। पता है क्या हुआ था, मेरे पूरे घर, मेरा मतलब पूरी जो फ्लैट है वो डूब चुकी थी वाटर से। क्या बताऊँ मैं, मतलब हम लोग जिस दिन गए थे ना बाहर मार्केट 25 जनवरी को, वापस जब हम आए और उसके बाद जैसे ही मैंने लॉक खोला ना, और पूरे घर की लाइट गुल हो चुकी थी, मतलब फ्यूज़ गिर चुका था, छपाक से मेरे पैरों के नीचे पानी। मैंने बोला क्या है ये यार, पूरे घर पे पानी क्यों है। तो फिर मुझे याद आया, क्योंकि मुझे पता था जो वॉशिंग मशीन की जो पाइप है ना वो बार बार गिर जाती थी, नल से जो कनेक्ट है वो बार बार गिर जाती थी, तो मुझे लगा कि वही है, क्योंकि जैसे ही मैंने डोर को ओपन किया ना बहुत ज़ोरों की पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वह फ्लो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो प्रेशर है वाटर का बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने जा करके देखा तो पूरा घर जो है हमारा पानी में डूबा हुआ था, सारी चीज़ें जो नीचे थी कारपेट वगैरह सारे भीग गए, दूसरे वाले रूम में जो हमने ज़मीन में मैट्रेस रखा था वो पूरी भीग चुकी, मतलब आधे दूर तक वो पूरी पानी सोख चुकी थी उसमें, एक एक रूम सब कुछ वाटर 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 हो चुका था। फिर हमने 2 बजे रात तक बस पानी हम लोग निकाल रहे थे घर से, और फिर हम सो गए, और रात में इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, पूरा घर ठंडा हो पड़ा था। इस वजह से अभी घर की जो हालत है वो थोड़ी ख़राब है, सामान इधर उधर 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 जो जो भींग गए थे, बिल्स वगैरह में भी बहुत पागल हूँ, मतलब बहुत कुछ कुछ चीज़ें मैं बहुत बेकार करती हूँ।
ओ माई गॉड, मैं आपसे कितनी ज़्यादा बातें कर रही हूँ, इतनी बातें करूँगी तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। सो कुछ इंटरेस्टिंग करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और फिर जब मार्केट जाएंगे तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्या ले रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारा कुछ शेयर करूँगी। और अभी कुछ फाइनल नहीं है, मे बी उनके फ्रेंड्स के वहाँ कल वो लोग पार्टी करने वाले हैं सैटरडे नाइट को, तो वहीं पे हम बर्थडे सेलिब्रेट करें या फिर क्या पता नहीं, लेकिन हम दोनों साथ में तो सेलिब्रेट करेंगे घर पे। हे गाइस, सो आज है फर्स्ट फरवरी, हाँ, और कल है बर्थडे, और अभी रात के 8 बज रहे हैं। पूरे दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, सारा मतलब मैं 11 o'clock को निकली थी घर से और शाम के 4:30 को घर वापस आई, और मैं बाहर कुछ भी सूट नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ ना अकेले, तो मतलब आई थिंक मैं ये फर्स्ट टाइम बाहर अकेले गई थी, तो फिर भी मन में कुछ ना कुछ डर लगा ही रहता है ओला में, मतलब पता नहीं यार, पर डर तो थोड़ा लगा ही रहता है। सो इस वजह से मैं कुछ शूटिंग नहीं कर रही थी और टाइम भी बहुत कम था, क्या करूँगी कैसे करूँगी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी दो काम करके मैं वापस आ गई, गिफ्ट लिया मैंने, केक लिया मैंने, केक लाइव बना करके देते हैं जहाँ मैं गई थी, मुझे पता नहीं था यार, बस मैं रिव्यू दे करके चली गई थी। तो आज के लिए मैंने केक लिया है और कल के लिए मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो कल आ करके देंगे। और आज के लिए मैंने स्मॉल केक लिया हुआ है और कल के लिए मैंने बड़ा वाला केक लिया है। और घर वापस आई तो नितेश का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि पब जाना है। मुझे पब जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे डांस ही नहीं आता यार, डांस ही नहीं आता तो पब जा क्या करूँगी, बहुत हाथों में दर्द है मेरे, बहुत काम कर लिया आज। पर जाना है सो जाना है। तो मेरी फ्रेंड भी है, मतलब उनके कलीग की वाइफ मेरी फ्रेंड है, तो उससे मैंने बात की, तो बोले हम लोग चलो फिर चलते हैं साथ में, हस्बैंड पे नज़र रखनी पड़ती है ना, ताकि कुछ ऐसा वैसा ड्रिंक ना कर ले, सो इसलिए मैं जा रही हूँ, अदरवाइज मैं उन्हें फ्री छोड़ देती, जाओ। ऐसे मुझे विश्वास है उन पे, फिर भी यार थोड़ा तो देखना पड़ता है ना, आँख बंद करके नहीं रह सकते, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और अभी भी मुझे बहुत सारे काम हैं, अब केक पता नहीं कटिंग होगी नहीं होगी, कब आएंगे हम कब नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता मुझे। मैंने कुछ डेकोरेशन भी नहीं किया अभी तक, बलून्स वगैरह मंगाए हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। और आप सोच रहे हो कि मैंने गिफ्ट में क्या लिया है, राइट, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो आप, ये है हैप्पी बर्थडे वाली बलून, उसके बाद कुछ बलून्स मैंने चीन से मंगाए थे, ये इसमें ना सितारे वगैरह हैं, ये है, और ये है बड़े वाले बलून्स, और भी हैं, ये आप देख सकते हो, ये है एक वाइन की ग्लास एंड इधर है बॉटल, तो ये सारे बलून्स हैं जो मैं लगाने वाली थी, एंड ये मैंने अपना बैकग्राउंड सेटअप रेडी किया हुआ है, तो ये सारे बलून्स मुझे फुलाने हैं, लगाने हैं बट में, और फिर मैंने गुलाब जामुन भी बनाया है कल के लिए, और कल, हाँ कल हमारे घर में पार्टी है, तो मेरे हस्बैंड के सभी कलीग्स आने वाले हैं, जिनकी वाइफ है वो भी आने वाली हैं, तो कल हमारे घर में छोटी सी पार्टी है, बर्थडे पार्टी, तो उसी की प्रिपरेशन में मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, सो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं यार, तो उसी में मैं बिज़ी हूँ। और अभी जब वो आएंगे, अभी 8 बज चुके हैं, अब देखते हैं कब तक आते हैं, वो आएंगे उसके बाद हम जाएंगे पब, तो पब जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी और कैसा है क्या है, इससे पहले मैं कभी भी पब नहीं गई हुई तो पहली बार जाने वाली हूँ, तो आपको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ जाके, डांस तो मुझे आता ही नहीं है तो डांस तो करूँगी ही नहीं। सो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़े ही देर में जब हम घर से निकलते हैं। सो गाइस, बिग बाज़ार से मैंने कुछ सामान मंगवाए हुए थे कल के लिए, वो सभी आ गए हैं आप देख सकते हो। वो जो प्लास्टिक के बड़े बड़े बास्केट नहीं होते हैं, मिल्क वाले बास्केट, वैसे वैसे 3 बास्केट्स में आए थे, तो मैंने यहाँ पे पाव भाजी के लिए बन मंगाया हुआ है 10 पैकेट्स, नारियल पानी भी मैंने मंगवाया हुआ है, क्योंकि नारियल पानी मैं सोच रही हूँ अभी डेली पीने का, अब देखते हैं, बोल रहे फ्रिज में रखना होगा, फ्रिज में तो मेरी जगह ही नहीं है, ओह माय गॉड, फ्रिज में जगह नहीं है। प्याज, चिकन, बनाना, जो भी मंगाने थे मुझे मैंने मंगा लिए हैं, ये आप देख सकते हो। 1 मिनट, मेरी कल की तैयारी, ये पाव बन, फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, कोरिएंडर लीव्स, कर्ड, बनाना तो डेली खाने के लिए, चिकन है, ऑनियंस, दाल वगैरह, लेमन वगैरह, सारी चीज़ें मैंने अभी बिग बास्केट से मंगाई है। और अभी मैं जा रही हूँ इन्हें रखने के लिए फ्रिज वगैरह में, कहाँ कहाँ डालती हूँ देखती हूँ, उसके बाद फिर, अभी तक नहीं आए हैं मेरे पति देव,
उनका भी वेट कर रही हूँ मैं। नीचे करना पड़ेगा ना। याद है पहला बर्थडे और फिलहाल तो सब गिफ्ट रखा हुआ है। हाँ तो क्या सबसे पहले कौन सा गिफ्ट लेना चाहोगे? बड़का वाला बड़के वाला तो भी है। नहीं बड़का वाला खा हम बड़के वाले। हाँ खुला हैप्पी बर्थडे। थैंक यू कटुला कैसे जाओ इन्होंने गेस किया है 5 बुक्स। अब देखते हैं इसमें क्या है।
जो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट। खोलो खोलो। वाओ वाया मेरा सिल्वर बटन। टैंटरैं टैंटरैं म्यूजिक बजाओ। तो इसमें लिखा है कांग्रेचुलेशन ऑन द सब्सक्राइबर माइलस्टोन। You, we are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care. If your award was damaged during shipping or you have any question, please contact a YouTube creator. You have done something that very few YouTuber creator accomplish. You have an astonishing 1 lakh people subscribe to your channel. Know that the number on YouTube can really get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality. Behind that 6-digit milestone, each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you have created. They were inspired, challenged and entertained. You achieved this milestone with hard work, perseverance and probably a healthy sense of humor too. What you have accomplished can't be taken away from you, and we would like to recognize you and all your hard work with this Silver Creator Award. Small token of your esteem and respect. We know that you don't do this for reward. You do it because you have a drive to create and share, and because you have found an audience who cares. Believe us when we say that we can't wait to see you do what you do next. A million subscribers may seem a long way off right now, but you are closer than you think. And we are rooting for you. Congratulations. Susan Wozniacki, CEO of YouTube. Romance. Certificate of appreciation from YouTube. और सबसे पहला चीज जिसमें आपके मम्मी पापा दोनों का नाम है, दी यूट्यूब सब लोग देखिए हम चमक रही है, फॉर पासिंग 1 lakh यूट्यूब सिल्वर बटन मिली है। इसमें आप अपने चेहरे को देख सकते हैं चमकते हुए चमकते हुए। देखिए इनके चेहरे को आप लोग। कांग्रेचुलेशन बोले सबको, थैंक यू मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो ये है हमारा यूट्यूब प्ले बटन जो कि मैंने दिया है अपने हस्बैंड को गिफ्ट में। तुमको वापस देना पड़ेगा ना, ये तो तुम्हारा है। ये नहीं तुमको दिया ना। हाँ इसको लगाओ आप हेड में कहीं। लगाएंगे। बाद में डाल सकते हैं, मैं लगाने का रिवाज नहीं है। अरे यार बलून किधर है।
बर्थडे टू यू. Hey guys, so आज है नेक्स्ट डे. कल हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया और अभी जो मेरे घर की हालत है वो कुछ ऐसी है. और किचन की हालत तो आप पूछो मत, मुझे समझ. अभी दोपहर के 3 बज गए हैं, मैं सो के ही उठी थी 12 बजे. बहुत थकान लग रही थी यार. ये देखो किचन की हालत, इधर इतने बर्तन पड़े हुए पूरे. अभी मैंने सारे डिस्पोज़ल को बाहर डस्टबिन में रखा है. बहुत सारे काम हैं और आई एम सो सॉरी कि मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि बहुत कुछ करना होता है तो सारे प्रिपरेशन में मुझे याद ही नहीं होता क्या रिकॉर्ड करूँ क्या नहीं रिकॉर्ड करूँ. फर्स्ट टाइम किया था मैंने तो मुझे डर भी था, पता नहीं कैसा होगा क्या नहीं होगा, कैसा कोई कुछ चीज़ अच्छी बनेगी नहीं बनेगी. सो इस वजह से नहीं ज़्यादा कुछ शेयर कर पाई, बस छोटी मोटी क्लिप्स आपके साथ शेयर की मैंने. और सो सब कुछ मिला जुला के थोड़ा मोड़ा करके मैंने ये छोटा सा ब्लॉग आपके लिए बनाया है. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. और फिर मिलूँगी मैं आपसे अपने नए वीडियो में. आई विल ट्राई कि मैं आपके साथ अपने ब्लॉग कम से कम वीक में एक बार शेयर कर पाऊँ. एंड सो सॉरी यार, मैंने सोचा था मैं अच्छे से पूरा बर्थडे ब्लॉग बनाऊंगी लेकिन नहीं हो पाया. पता नहीं, मतलब सब लोग आ गए तो उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ. और सबको मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी तो उसके बाद भी बहुत सारे काम थे, लाइक फिश फ्राई करना सब कुछ. और मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी हेल्प की मेरी, तो सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया. बट रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई सही से, उसके लिए सो सॉरी. सो कल मैं आपसे नहीं बात कर पाई थी, नहीं शेयर कर पाई थी कुछ भी, मतलब बात नहीं कर पाई थी. इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ. अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और 2 घंटे में शाम भी हो जाएगी. अभी तक घर का मैंने कुछ भी काम नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी. मतलब कल बेड में जाने के बाद तो मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं हिल भी नहीं पाऊँ, मतलब बस सांस भी नहीं आ रही थी मुझे ठीक से. पता नहीं क्या हो रहा था यार. फिर तेज़ भी सुबह ऑफ़िस चले गए, उनको तो ऑफ़िस जाना ही है तो वो ऑफ़िस चले गए. और अभी बस मैं अपने काम अभी स्टार्ट कर रही हूँ. सबसे पहले सोच रही हूँ किचन को क्लीन कर लूँ. और लिविंग रूम का कुछ नहीं है, बस वो जो पटाखे वटाखे हैं ना, वो क्या बोलते हैं यार, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो सारे क्लीन करके बस चेयर वेयर अपनी जगह पर सेट कर दूँगी. और ये बलून्स देखते हैं कब निकालूँगी कब नहीं, ये देखो. और उधर जो मैंने लगाए थे ना वो वाइन की बॉटल एंड ग्लास, वो तो बड़े बड़े थे तो वो फैन से निकल गए तो वहीं पे रखे हुए हैं अभी. तो बस सब कुछ अच्छे से हो गया. और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था, मतलब इतने सारे लोगों को बुलाना, एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था. तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, पता नहीं क्या कैसे होगा. बट सब कुछ अच्छे से हो गया, सब लोग बहुत अच्छे थे. सो ओके, बहुत बातें कर ली मैंने आपसे. एंड फिर मिलूँगी मैं आपसे अपने न्यू वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.